अंटार्कटिका HVAC चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बेरिंग के नंबर, जो मॉडल नंबर दिया होगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये आके बॉल बेरिंग है, उसका आउटर डायमीटर, बॉल केज, इनर डायमीटर, बोर, ये सब भी मैं डायग्राम में लिख दिया हूँ। कोई भी बेरिंग ले लो, उसका मॉडल नंबर आके डिफरेंट रहेगा। उस मॉडल नंबर के इंडिविजुअल नंबर्स का डिटेल्स क्या है वो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। इस वीडियो में मैं इस मॉडल नंबर का डिटेल्स इस वीडियो में मैं डाल दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ये बेरिंग नंबर है 62032ZC3। पहला डिजिट 6 यानी पहला डिजिट इंडिकेट करता है टाइप ऑफ बेरिंग, बेरिंग के टाइप को। डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग या थ्रस्ट बेरिंग। सेकेंड डिजिट इंडिकेट करता है बेरिंग के सीरीज को। एक्स्ट्रा लाइट 0 रहने से, 1 रहने से एक्स्ट्रा लाइट थ्रस्ट, 2 रहने से लाइट, 3 रहने से मीडियम, 4 रहने से हैवी। 03 ये इंडिकेट्स करता है बोर के साइज़ को। ये बॉल बेरिंग का बोर का साइज़ है ना, ID यानी बोर, ये दोनों एक ही है, उसके साइज़ को इंडिकेट करता है। 03 00 रहने से 10 mm, 01 रहने से 12 mm, 02 रहने से 15 mm, 03 रहने से 17 mm, 04 के ऊपर रहने से इंटू 5 को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उतना उसका, इसका ये बेरिंग का बोर का साइज रहेगा। 4 × 5 20 mm बोर का साइज रहेगा। ये 2Z इंडिकेट करता है शील्ड, सील, यानि इस बॉल बेरिंग के ये जो बॉल और केज है ना, उसके ऊपर एक केज आएगा, नहीं शील्ड आएगा, दोनों तरफ शील्ड आएगा, सील आएगा। प्लेन रहने से नो शील्ड, Z रहने से 1 शील्ड मेटल, 2Z रहने से 2 शील्ड मेटल, RS रहने से 1 सील रबर का, 2RS रहने से 2 सील, K रहने से टेपर बोर्ड। ये C3 आके ये इंडिकेट करता है इंटरनल क्लियरेंस को। C2 रहने से लेस देन स्टैंडर्ड क्लियरेंस, C3 C4 रहने से लॉन्गर देन स्टैंडर्ड क्लियरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो देखने से आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।